ओके सो आई एम सम 24 इयर्स ओल्ड और मेरे पास अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि हर जगह कहीं ना कहीं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह लगाना ही पड़ता है तो मैंने सोचा कि मैं बनवा लूँ तो मैंने प्रोसेस देखा ऑनलाइन मैंने अप्लाई किया और मुझे समझ आया कि प्रोसेस इज रियली ईजी तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ द वीकेंड गाइड के इस एपिसोड में लेकिन ये सब बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक तो ट्वेंटी रुपीज़ का फी लगेगा इन केस आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है या फिर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस एड ऑन नहीं हुए हैं तो सिर्फ बीस रुपये लगते हैं बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाने में इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं जो आपको हैंडी रखने पड़ेंगे पहले से अप्लाई करने के पहले देखो तीन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं सबसे पहले आपके पास हॉस्पिटल का डिस्चार्ज स्लिप होना चाहिए इन केस डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई है दूसरा कोई भी गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए मेरे केस में मैंने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखा है और तीसरा आपको एक एफिडेविट साइन करवाना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट से ताकि आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो सके अब पहले क्या होता था कि आप फिजिकली फॉर्म लेकर जाते थे उसको साइन करवाते थे और उसके बाद आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में उसको सबमिट कर देते थे और अपना पेमेंट करके आपको बर्थ सर्टिफिकेट आ जाता था लेकिन इस प्रोसेस को आसान कर दिया है आपको बस एफिडेविट साइन करवाना है और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो अब ये सारा जब आपके पास हैंडी हो उसके बाद आप प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो अप्लाई कैसे करना है पूरे प्रोसेस में वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में तो आप वीडियो एंड तक देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ऑफकोर्स लेट्स बिगिन विद द प्रोसेस सबसे पहले सी आर एस ओ आर जी आई डॉट जी ओ वी डॉट इन पर चले जाओ इसमें आप साइन अप कर लो सबसे पहले यूजर नेम फिल करो उसके बाद मोबाइल नंबर यूजर ईमेल आई डी यहाँ से आपको नए पोर्टल पर डायरेक्ट कर देगा जो कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए ही बनाया गया है जैसे यूपी उत्तराखंड सिक्किम एक्सेट्रा एक लिंक होगा उस पर बस आपको क्लिक करना है अब नए पोर्टल पर भी साइन अप करना पड़ेगा तो सबसे पहले साइन अप पर क्लिक कर लो अब यहाँ पर सारी जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी जैसे नेम लास्ट नेम सेक्स डी ओ बी उसके बाद नेक्स्ट पर अब नेक्स्ट टैब में आपको एड्रेस फिल करना पड़ेगा जैसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट विलेज टाउन पिन कोड बिल्डिंग नंबर हाउस नंबर स्ट्रीट नेम लोकेलिटी वगैरह ये सब फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर टैप करना इसके बाद आधार नंबर नेशनलिटी सिलेक्ट करो और उसके बाद एक टिक बॉक्स होगा उस पर क्लिक करो और नेक्स्ट पर क्लिक कर दो इसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है सेंड ओ पर क्लिक करना है ओटीपी फिल करके वेरीफाई करना है इसके बाद नेक्स्ट पेज पर ई मेल फिल करनी है और नीचे एक ऑप्शन आएगा स्किप एंड रजिस्टर इस पर टैप करो इसके बाद आप जनरल लॉग के ऑप्शन पर आ जाओगे इसमें आप सबसे पहले मोबाइल नंबर फिल करो कैप्चा फिल करो और लॉग इन कर लो अब ओटी आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उस पर आप क्लिक कर लो और लॉग इन हो जाएगा अब टॉप राइट कॉर्नर में जाओ जहाँ तीन लाइन है इन पर क्लिक करो और बर्थ वाले ऑप्शन को चूज कर लो इसके बाद रिपोर्ट बर्थ के ऑप्शन को चूज कर लो अब यहाँ के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा जिसमें सबसे पहले लीगल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है सबसे पहले प्लेस ऑफ बर्थ फिल करना है मतलब कौन से स्टेट में बर्थ हुआ है जैसे मेरे केस में यूपी है अब एक डिफॉल्ट लैंग्वेज आएगी इंग्लिश उसको सिलेक्ट कर लो सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डिफॉल्ट फिल होकर आएगी इसके बाद डीओबी फिल कर लो डीओबी फिल करते ही एक form, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया इसके बाद डीओबी कन्फर्म कर लो नेक्स्ट ऑप्शन में इसके बाद टाइम ऑफ बर्थ चूज कर लो फिर सेक्स सिलेक्ट कर लो इसके बाद आधार नंबर ये आपको चाइल्ड का आधार नंबर इसमें डालना है अगर बन गया है तो तो उसको फिल कर अब एक नेक्स्ट टैब आएगा जिसमें आपको ई आई डी नंबर फिल करना है ई आई डी नंबर मतलब एनरोलमेंट आई डी या फिर रजिस्टर्ड जो आपकी आई डी होती है वो आपको फिल करनी पड़ेगी आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो क्योंकि आपने इस केस में आधार नंबर फिल कर दिया है और एक ऑप्शन है कि अगर बच्चे का नाम अभी नहीं रखा है तो इस पे भी आप टिक कर सकते हो अब मेरे केस में ऐसा नहीं है तो सबसे पहले फर्स्ट नेम फिल करेंगे फिर लास्ट नेम फिल करेंगे इसके बाद कंफर्म करेंगे सेम डिटेल्स इसके बाद फादर्स इन्फॉर्मेशन फिल करनी है फिर लास्ट नेम फिर आधार नंबर फिर ई मेल फिर मोबाइल नंबर और इसके बाद के टैब में मदर की डिटेल्स फिल करने हैं सारी डिटेल्स सेम ही है जो आपने फादर उसके डिटेल्स में फिल करें इसके बाद एक टैब आएगा एड्रेस वाला इसमें सबसे पहले इन इंडिया कर लो अब इसमें भी आपको बिल्डिंग नंबर हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर पोस्ट ऑफिस स्टेट विलेज टाउन पिन कोड वगैरह फिल करना है इसके बाद परमानेंट एड्रेस फिल करना है अब अगर करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो एक टिक बॉक्स आएगा उस पे टिक करो और फिर प्लेस ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लो उसके बाद स्टेट डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आ जाएगी इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है सब डिस्ट्रिक्ट विलेज टाउन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा यहाँ आप अगर टाउन सिलेक्ट करोगे तो आपको वार्ड नंबर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है वार्ड नंबर बेसिकली ब्लॉक्स होते हैं जो हर एक सिटी में होते हैं और सब डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं इसके बाद रजिस्ट्रेशन यूनिट सिलेक्ट करना है इसके बाद आपको हॉस्पिटल सिलेक्ट करना है और अगर आपने अदर ऑप्शन चूज किया है तो आप हॉस्पिटल का नाम भी मेंशन कर सकते हो इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लो अब नेक्स्ट टैब आएगा स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन वही फिल करनी पड़ेगी जो आपने पीछे फिल करी है पेरेंट्स एड्रेस वाले टैब में एक टॉगल आएगा कॉपी पेरेंट्स एड्रेस उस पर आपको टिक करना है अब नेक्स्ट टैब में पेरेंट्स के डिटेल्स ना यू मस्ट भी थिंकिंग कि पेरेंट्स का एड्रेस मतलब मदर और फादर का एड्रेस तो सेम ही होगा सो so ये उन केसेस के लिए भी है अगर पेरेंट्स मतलब मदर और फादर अलग अलग जगह पर रहते हैं बहुत केसेस में सेपरेटेड रहते हैं तो उन केसेज़ के लिए आपको अलग अलग फिल करना पड़ेगा अदरवाइज आप सेम ऑप्शन चूज कर सकते अगर सेम है तो यहाँ पर भी आपको सेम स्टेट डिस्ट्रिक्ट टाउन और विलेज फिल करना है अब जिसके बाद वाला टैब है इसमें आपको बहुत ही ध्यान से इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी क्योंकि सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जैसे रिलीजन वगैरह सबसे पहले रिलीजन सिलेक्ट कर लो फादर्स एजुकेशन सिलेक्ट कर लो फादर्स ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लो उसके बाद मदर्स एजुकेशन मदर्स ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करो इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन वाला टैब आएगा इसकी इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी सी क्रुशल है तो सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा एज ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ यू फिलिंग द फॉर्म फिर आपको मदर की एज फिल करनी है नेक्स्ट ऑप्शन में एट द टाइम ऑफ बर्थ और इसके बाद एक ऑप्शन है जिसमें यू विल हैव टू फिल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन मदर हैज एट द टाइम ऑफ दिस बर्थ मतलब जिसके लिए बोथ सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर रहे हो बेसिकली आपको तीन ऑप्शंस फिल करने हैं एक सबसे पहले जिसमें आपको मदर की एज फिल करनी है करंट एज उसके बाद उसमें वो वाली एज फिल करनी है जो बर्थ के बच्चे के बर्थ के टाइम पे मदर की एज थी और थर्ड आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेंशन करने हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड जिसके लिए आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो। अब नेक्स्ट तीन ये भी क्रूशल है, जैसे सबसे पहले है टाइप ऑफ अटेंशन एट अट डिलीवरी इसके बाद डिलीवरी मेथड अब आपको वेट फिल करना है चाइल्ड का एट द टाइम ऑफ बर्थ और फिर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी अब आप सोच रहे होंगे कि सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा कहाँ से चाइल्ड का वेट हॉस्पिटल का स्लिप बाकी वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें यूज हुई है तो ये सारी ना आपको उस फाइल में मिलेगी जो बच्चे के बर्थ के टाइम पे बच्चे की फाइल दी जाती है उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इन केस आपके पास वो फाइल नहीं है खो गई है या जो भी केस है आप हॉस्पिटल में जाके वापस से सारा इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो अब नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का तो इस ऑप्शन में आपको तीन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिसका साइज आठ एम से ऊपर नहीं होना चाहिए तो सबसे पहले आपको हॉस्पिटल डिस्चार्ज की स्लिप इसमें लगानी है इन केस आपके पास डिस्चार्ज की स्लिप नहीं है आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स चूज़ कर सकते हो जैसे रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह वो आपके अगेन जो आपके चाइल्ड बर्थ के टाइम पे फाइल दी जाती है उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। आपको एक दोनों का हो सकता है अवेलेबल है तो और तीसरा ये थोड़ा सा क्रूशल है तो आपको मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट साइन करवाना पड़ेगा और उसकी कॉपी आपको साइंड कॉपी इसमें लगानी पड़ेगी फॉर इश्यूंग बर्थ सर्टिफिकेट अब जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे इसके बाद आप नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करोगे और वहां पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा आप पूरा अपना फॉर्म देख सकते हो अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट का ऑप्शन भी आएगा एडिट भी कर सकते हो जाके और अगर नहीं करना है तो उसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा आप सबमिट कर सकते अब इसके बाद चार से वीक्स का टाइम लगेगा बर्थ सर्टिफिकेट प्रोक्योर करने में इसी बीच में कॉर्पोरेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस भी शुरू करती है वो भी होगा और बीस रूपए आपको पेमेंट के देने पड़ेंगे सर्टिफिकेट के लिए इतना ही प्रोसेस है ट्राई करो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में अगर यूजफुल लगा हो बाकी आपकी कोई क्वेरीज हैं आप वो भी बता सकते हो बिकॉज वी कीप कमिंग विद सच वीडियो एवरी वीक हम अगले वीडियो में आके आपके क्वेरीज भी सॉल्व कर देंगे बाकी की फॉलोइंग अस दिस इज साइनिंग ऑफ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन